टचवुड, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग इन इंडियन सोसाइटी. ड्रीम था कि भाई उसका खुद का बच्चा है तो, या फिर वो यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, तो पता है वो भी प्रेगनेंट है. यू हैव टू टेक 3 डेज सर पे पलना, तुम्हारा सर से हटना नहीं चाहिए कि मुंह चलाती है. Hi everyone, Namaste and welcome to my channel Routine Style Corner. So title से आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है. आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो. So I thought कि this is a good time to make a Q&A video because काफी कुछ उस बीच में मेरे लाइफ में literally मतलब बहुत सारी चीजें हो गई हैं. So yes, without further ado, let's just get started with the video. मैं हर बार ना Instagram पे questions डालती हूँ मतलब Q&A के लिए, और YouTube पे नहीं डालती हूँ और Instagram के questions सारे ले लेती हूँ. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो Instagram नहीं यूज करते हैं, उनके हमेशा क्वेश्चंस रह जाते हैं. तो इस बार मैंने क्या किया, यूट्यूब पे भी डाला था और इंस्टाग्राम पे भी डाला था. तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे मेरे पास तकरीबन 60 क्वेश्चंस आए हैं, और जो इंस्टाग्राम है उस पे भी मेरे पास क्वेश्चंस आए. मैंने सबके ना स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिए हैं बिकॉज क्या होता है द इंस्टाग्राम क्वेश्चंस. मैं स्टार्ट करती हूँ यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के जो क्वेश्चंस है. कुछ क्वेश्चंस लिटरली बहुत बड़े बड़े मेरे पास आए हैं. रिपीटेटिव क्वेश्चंस होंगे वो मैं स्किप कर दूंगी. सिर्फ पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन ही इस पे सबसे ज्यादा लाइक्स है. इट्स मोर इम्पोर्टेंट अ स्पेशियस बिग होम इन योर नॉट सो फेवरेट लोकैलिटी और अ कंपेरेटिवली स्मॉलर होम नॉट सो लग्जूरियस बट इन योर फेवरेट लोकैलिटी. व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट, अ होम और अ लोकैलिटी? सी इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है तो वो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है घर तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ लोकैलिटी भी बहुत मैटर करती है. तो आप लोकैलिटी क्यों देखते हो? ताकि एक आपको अच्छा एटमोसफियर, एक अच्छा एनवायरमेंट मिले. दूसरी चीज, आपकी जब फैमिली बड़ी हो, अगर आपके यहाँ बच्चे ऑलरेडी हैं तब तो आपको लोकैलिटी कंसिडर डेफिनेटली करनी चाहिए. आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ रह रहे हैं या कभी कभी विजिट करने आ रहे हैं, उनको भी एक अच्छी लोकैलिटी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एनवायरमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. लोकैलिटी ना देख करके आप एक नॉर्मल बेसिक अच्छी लोकैलिटी भी देख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लग्जूरियस ही देखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैनेट प्लूटो का. आई लव द वे यू हैव डन अप योर होम. क्या ऑफ कैमरा भी घर इतना ही अच्छे से रहता है? आई ट्राई टू मेक इट वर्क बट कहीं पेपर्स, कभी चाबी, कहीं बुक्स बिखर ही जाते हैं. सम टिप्स टू मेंटेन एन इंस्टाग्रामेबल होम. मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट आपको आंसर देती हूँ. देखो, जैसे आप ह्यूमन हो वैसे मैं भी ह्यूमन हूँ. तो कुछ लोगों का नेचर होता है टू बी ऑर्गेनाइज, जरूरी नहीं है वो कैमरे के सामने रहे, समटाइम्स कैमरे के पीछे भी रह करके उनका घर बहुत ऑर्गेनाइज रहता है. जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस तरीके के घर का मेरा जो इन-लॉज का घर है ना, आप कभी भी किसी भी टाइम पे मेरे घर पे आओगे, इन-लॉज के घर पे स्पेशली, आपको घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा. ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपको एक धूल आप ढूंढ नहीं पाओगे, इतना क्लीन रखते हैं मेरे फादर इन लॉ भी एंड माय मदर इन लॉ इज वेल. तो इंस्टाग्रामेबल फ्रेंडली घर नहीं है, बट मैं एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड घर की बात कर रही हूँ. सम पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ कीपिंग देयर होम वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड. तो मेरे को आप ये कंसिडर कर सकते हो कि मैं 70% तो मेरे अंदर वो हैबिट है कि मुझे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज घर रखना बहुत पसंद है. बिखरा घर होता है ना तो मेरा दिमाग लिटरली काम नहीं करता है. कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा घर लिटरली बिखर जाता है. बिखर जाता है मतलब नहीं मन करता है, आप थक गए हो, आपका नहीं मन है क्लीन करने का, लेकिन अब आपको वीडियो शूट करना है. तो वीडियो शूट करने के चक्कर में वो जो डिले वाला प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है. क्यों? क्योंकि घर दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बिखरा हुआ घर रहेगा. तो ये भी एक फैक्टर है. तो अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग जो YouTube पे दिखाते हैं वो रियली ऑर्गेनाइज्ड हैं, या फिर वो YouTube के लिए या Instagram के लिए अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, वो डिपेंड करता है. बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ आर यू सो मच मोटिवेटेड ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ? यू अपीयर सो परफेक्ट इन एवरीथिंग यू डू. इज इट इवन ह्यूमन टू बी लाइक दिस? डू यू ऑल्सो हैव मेसी डेज और व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान? डेफिनेटली डेफिनेटली बीइंग वेरी काइंड एंड स्वीट ओवर हियर. जो आप ये बोल रहे हो कि मैं हर चीज में परफेक्ट दिखती हूँ, हो सकता है मैं दिख ऐसी रही हूँ बट मैं हूँ नहीं परफेक्ट. अब आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लाइफ का ये ले सकते हो. ये जो अभी आप देख रहे हो मेरी सिचुएशन, आपको बताऊंगी कि क्या चल रही है. मैं जस्ट मई में शिफ्ट हुई थी अपने घर में और 30 जून को ये केस हो गया एंड विद इन 2 मंथ्स आई अगेन कम बैक टू भोपाल. और तो ये मैंने प्लान डेफिनेटली नहीं किया था. कोई भी इस तरह की चीजें प्लान नहीं करता, बट कुछ चीजें होती हैं जो सडनली आपके लाइफ में हो जाती हैं. तो स्टार्टिंग फ्यू डेज डेफिनेटली इतनी बड़ी चीज हुई थी तो मैं बहुत कोप अप नहीं कर पा रही थी चीजों से. मुझे भी रोना आ रहा था, मैं जब फील कर रही थी. बट नाउ आई एम कम्प्लीटली ओके, आई एम कम्प्लीटली फाइन. आपको चीजों को इस तरीके से समझना होगा, अगर प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं गया है ना, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग गया होगा और ऊपर वाले का प्लान आपके प्लान से ज्यादा बेटर है, बट ऊपर वाले ने बहुत आगे का सोच करके हमारे लिए प्लान्स बना करके रखे हैं, ये सोच करके नॉर्मल हो जाती हूँ. बुरा तो ऑब्वियसली सबको लगता है अगर प्लान के अकॉर्डिंग चीज नहीं होती है, बट आपको फिर अपने आपको वो चीज समझानी भी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिग सैल्यूट टू यू टू मैनेज एवरीथिंग लाइक अ प्रो. मैं क्वेश्चन लेती हूँ. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है,
कि आपके पेरेंट्स आपके इन-लॉज वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, समाज का कोई प्रेशर आया, आपने कैसे सोचा इसे, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग इन इंडियन सोसाइटी, लड़के वालों को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, कैसे किया आपने ये, क्या आपके इन-लॉज को इससे दिक्कत नहीं है या आपके रिश्तेदारों को? ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगी. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और जो आपने क्वेश्चन किया है, आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस जो हमारे सोसाइटीज में चलती है. जो पेरेंट्स के एज ग्रुप के पेरेंट्स है, दे आर वेरी यू नो प्रोग्रेसिव इन थिंक काफी हो चुके हैं. तो मेरे आसपास भी काफी ओपन माहौल है. समाज का कोई प्रेशर तो नहीं आया. पहली चीज तो ये कि हम लोग जो भी हमको करना होता है ना, वो हम लोग इतना बहुत लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं. बट जो सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम हॉस्पिटलाइज थे और विद इन 10-12 डेज में हमको सोचना था कि हमको क्या डिसीजन लेना, मतलब हमको कहां जाना है, घर को शिफ्ट करना ही करना था, वो तो फॉर श्योर ही थी. मैं आपको बताती हूँ, मेरे जब ये जो थॉट प्रोसेस जब ये हो रहा था ना, सिचुएशन जब ये चल रही थी ना, तो मैं ये जब बात विक्की को बता रही थी, तो विक्की ने मुझे बोला कि घर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने नीचे वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी टेंशन मतलब. क्योंकि मैं शुरू के, मैंने बोला ना, शुरू के 10 डेज में बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी सिचुएशन होती थी तो आई स्टार्टेड क्राइंग, मुझे बस रोना आ जाता था कि यार अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, ऐसी सिचुएशन हो रही थी. ये बात अपनी मम्मी को डिस्कस करी तो मेरी मम्मी थोड़ी सी, ऑब्वियसली यार किसी के भी पेरेंट्स होंगे तो थोड़ा उनको अजीब लगेगा कि कैसे रहेंगे, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब एक हेजिटेशन जो होता है वो डेफिनेटली किसी को भी होगा, कोई भी इंसान होगा. तो मैंने जाकर के सबसे पहले अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ से पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो ऑब्वियसली मतलब बिना सेकेंड थॉट के मेरी मदर इन लॉ ने ये चीज़ बोल दी थी कि अरे अपना नीचे वाला घर खाली, तो मेरी टेंशन गाइड ले लियो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएंगे पापा. तो उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने बहुत वेलकमिंगली, मतलब बहुत वार्मली ये पुटअप किया. तो जब मुझे कि मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के तरफ से चीज़ें, मतलब वो मिल गया था कि हाँ यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तब मैंने सबसे नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगी, मैंने बोला यार ये टीनू का भी घर है ना, तो मुझे उसको भी बताना पड़ेगा, उसको भी सब सिचुएशन बतानी पड़ेगी, और उसको भी ये चीज़ परमिट होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि वो 100% उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल ये उसका भी घर है यार, जितना विक्की का घर है ये उतना टीनू का भी घर है, राइट. तो मैंने टीनू को भी कॉल करके, उस टाइम टीनू से मेरी बात होती रहती थी कि अभी क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो मैंने उसको भी सारी सिचुएशन बताई. तो मैं ये बताती उससे पहले उसने ये पॉइंट रख दिया था कि अरे अपना नीचे वाला घर है तो तू टेंशन का इतनी ले रही है, राइट. तो चारों लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था. अब मेरे जो रिलेटिव्स हैं, डेफिनेटली वो नेगेटिव उससे नहीं बोल रही हूँ, बट एक कंसर्न वे में उन्होंने हमको ये बातें जरूर बोली थी कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा डिसीजन सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही साथ रहने में दिक्कत, मतलब पता नहीं वो जो भी थॉट्स आते हो उस तरीके के पुटअप्स हमारे ऊपर पॉइंट करे गए थे, बट मैं बहुत श्योर थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो बस फिर मैंने अपने पापा से जब ये चीज़ पूछा, क्योंकि एट दी एंड उनका वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम ये उनके लिए कर रहे थे सारी चीज़ें. तो मेरे पापा तो वैसे ही, मतलब मेरे फादर इन लॉ को बहुत अडोर करते हैं, मतलब पसंद करते हैं. मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा सब दिन ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो मेरे जो टचवुड हाँ, तो मेरे फादर इन लॉ जो पापा है ना, इन लोगों की पट्टी बहुत अच्छी है. मेरे पापा बोले कि नहीं वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल दूंगा, ठीक है, तुम लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो हमारे लिए सोच रहे थे ये चीज़. तो उनसे पूछा और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे शिफ्ट किया. इवन वेन वी शिफ्टेड हेयर ना, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कोई भी अपने घर में, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मम्मी को ये चीज़ बोला कि आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि आप कहीं और रह रहे हो, आप बिल्कुल इसको अपना घर समझो, मतलब ऐसे करके स्टेटमेंट्स. ये तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मुझे ऐसा लगता है. तो मैं बोलती हूँ ना कि मेरे फादर इन लॉ को मैं डे वन से बहुत पसंद करती आ रही हूँ. मतलब मैं अपने बहुत सारे क्यों वीडियोज़ में ये बोल चुकी हूँ कि मैं फादर इन लॉ माई फेवरेट, बहुत पसंद है मुझे वो. एंड वो मैं जो बोलती आ रही हूँ ना, वो एक्चुअली में रियल है कि ही इज सच अ ग्रेट ह्यूमन. इसलिए नहीं बोलूँ बिकॉज ही इज माई फादर इन लॉ, बट एज अ ह्यूमन ही इज वेरी ग्रेट. आई रियली फील ब्लेस्ड. और जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमको तो 7 जन्म तक एक ही पति चाहिए, तो लड़के के लिए तो मैं बोलती हूँ, बट मैं अपने इन लॉज की फैमिली के लिए भी बोलती हूँ कि मुझे सेम सिस्टर इन लॉ चाहिए, मुझे टीनू ही चाहिए 7 जन्म तक, विक्की तो चाहिए ही चाहिए, टीनू चाहिए, मुझे फादर इन लॉ भी सेम चाहिए, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी. वी फील ब्लेस्ड टू हैव हिम एज अवर फैमिली मेंबर. इवन माई मदर इन लॉ सपोर्टेड इन दिस होल सिचुएशन सो मच. तो येस, I feel really blessed to have such a great in-laws. एक साल में आपने बहुत कुछ देख लिया है एक साथ, पहले आपकी मम्मी का, फिर आपके पापा का. इस पूरे सिचुएशन से आपकी लर्निंग्स क्या है, प्लीज शेयर एंड मोटिवेट अस. आपके रिलेटिव्स टॉक्सिक हैं या सपोर्टिव? डेफिनेटली ये जो पूरा साल था ना, इट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर ईयर फॉर मी. मतलब 2021 का जो मिड, जब से हमने शिफ्टिंग स्टार्ट करी उसके बाद से लेकर के अभी तक, मतलब इट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर. मैंने इस पूरे एक साल में मैंने बेस्ट चीज़ भी देख ली अपनी लाइफ की, और वर्स्ट चीज़ भी मैंने अपनी लाइफ की
फेस कर लिया है. बेस्ट इन द सेंस मीन हमने हमारे घर का गृह प्रवेश किया, पूरी फैमिली इकट्ठी हुई. बहुत बेस्ट मोमेंट था वो मेरे लाइफ का. टीनू की शादी हुई, माई फेवरेट पर्सन है ना, और उसकी शादी को मैंने एज अ बहन की तरह इंजॉय किया है ना. और उसके बाद फिर मम्मी का सिचुएशन हुआ, पापा का ये सिचुएशन हुआ, तो यू नो बहुत सारी चीजें. उसके बाद शिफ्टिंग पे शिफ्टिंग हुई, तो बहुत सारी चीजें मैंने लिटरली देख ली हैं. इस सिचुएशन से जो सबसे बड़ी लर्निंग मुझे ये मिली है ना, वो ये मिली है कि ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू डू गुड डीड्स, ट्राई टू हेल्प अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब वो ही आपकी हेल्प किस तरीके से यूनिवर्स में टकरा करके आपके पास किस फॉर्म में आएगी. जो मोस्टली रिलेटिव्स हैं, 90% ऑफ द रिलेटिव्स वो मेरे सब सपोर्टिव ही हैं. अभी कुछ तो होते ही हैं यार, मतलब कुछ का तो नेचर ही ऐसे होता है. भाई मेरा रिलेटिव है, भाई वो अपने रिलेटिव्स को बताएगा ऐसा ऐसा हो गया. आप जानते तो सभी एक दूसरे को, तो सामने वाला मिलने आएगा तो वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, अरे बताओ बैठे बैठे कैसी सिचुएशन हो गई, मुसीबत आ गई, बताओ कैसे हो गया, ऐसे ऐसे स्टूपिड तरीके से मुंह बना बना करके बोलते हैं. मतलब लिटरली मैं तो इतनी गुस्सा आती, आर वी आस्किंग एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम यू. ऐसे लोग, मतलब मुझे ये ऐसे टॉक्सिक लोग आते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है. बट मेरी मम्मी का ऐसा मानना होता है कि भाई घर में कोई अतिथि, अतिथि देवो भव, मतलब घर में जो आया है वो गेस्ट है, आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो उनके बिलीव्स हैं. बट मुझे इस तरीके के कोई लोग आते हैं तो मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आती है. और इस तरीके के रिलेटिव्स को मैं लिटरली टॉक्सिक रिलेटिव्स ही कहती हूँ. ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स को मैं लिटरली झूठे मुंह ये तक नहीं बोलती हूँ कि आप आना मेरे घर में या मुंबई में हमारा घर है. कुछ होते हैं ना, कुछ बहुत खुद से बोलते हैं, अरे तुमने मुंबई में घर ले लिया चलो हम आएंगे. मैं लिटरली बोलती भी नहीं हूँ कि हाँ हाँ आना. विक्की तो हमारा ऐसा है कि दुनिया का हर इंसान को वो इनवाइट कर चुका है कि अरे मेरे हमारे मुंबई वाले घर में आना. मैं लिटरली नहीं बोलती हूँ, बहुत सिलेक्टेड लोगों को बोलती हूँ कि आप मेरे घर आना, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टॉक्सिक पीपल टू कम इन माई हाउस और वहां पर वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज छोड़ करके चले जाए और फिर बाद में हम लोगों को दिक्कत हो. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आपको कोई सिबलिंग की कमी महसूस नहीं होती है कि साथ में कोई और होता तो चीजें आसान होती? ऐसा बिल्कुल भी मुझे फील नहीं होता, क्योंकि अगर मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए होता है तो विक्की खड़ा रहता ही है वैसे भी साथ में. और उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टॉक्सिक सिबलिंग होता, जैसे मैं हूँ, अगर मेरी कोई बहन ही होती फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली हम दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखने की. जितनी मेरी होती है उतनी सामने वाले की भी होती है, वो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. अगर वो मुझसे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर वो मुझसे ये बोल देता या बोल देती कि अरे यार मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज तुम ही मैनेज कर लो, मेरे साथ पर्सनल बहुत दिक्कतें चल रही है मेरी, तो शायद मतलब मुझे ज्यादा बुरा लगता एज कम्पेयर टू, मुझे शायद बहुत मेरा खून खोल जाता है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता होता है ना ऐसे. मतलब मैंने ऐसे देखे हैं बहुत सारे लोग ऐसे जिनका शादी हो जाने के बाद मुंह खत्म हो जाता है, ये बोल लो, मतलब पेरेंट्स की चिंता पूरा करेंगी, रोएंगी पेरेंट्स के नाम पे, लेकिन जब पेरेंट्स पे करने की आती है तब हाथ खड़े कर लेते हैं, पीछे खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं यार हम तो नहीं कर पाएंगे, हम हमारा कम्फर्ट जोन नहीं छोड़ पाते. बहुत सारे ऐसे मैंने देख रखे हैं अपने आसपास, मेरे एज के भी बहुत लोग मैंने ऐसे देख रखे हैं जो शादी हो जाने के बाद आफ्टर 5-6-7 साल हो जाते हैं तो अपने घर नहीं जाते हैं, 2-3 साल तक अपनी मम्मी से 4-5 दिन बात नहीं करते. तो मैं, दो भाई अगर होते हैं तो एक भाई के ऊपर ही सारी चीजें आ जाती हैं, दो बहनें होती हैं तो एक के ऊपर ही सब आ जाता है, तो वो एक के ऊपर आने से बेटर है कि भाई मेरे दिमाग में कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करना है मुझे ही करना है, तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आप समझ रहे हो मैं किस थॉट प्रोसेस से बोल रही हूँ. बहुत सारे सिबलिंग बहुत अच्छे भी होते हैं, बट हाँ ऐसी सिचुएशंस मैंने क्योंकि देख रखी है सोसाइटी में, तो इसलिए मेरा एक ऐसा इमेजिनरी थॉट बन गया है. तो जब मैं ये सब देखती हूँ, मैं लिटरली अपनी मम्मी को बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा है मेरा कोई ना भाई है ना कोई बहन है, लिटरली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके फ्रेंड्स इस सिचुएशन में आपके साथ थे? तो यस, मेरे सारे फ्रेंड्स इस सिचुएशन में मेरे साथ थे, मोस्टली, मतलब मेरे 90% फ्रेंड्स छोड़ो यार, ऐसे लोग जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, जिनसे मैं सिर्फ एक बार मिली हूँ, वो तक मेरे साथ थे. तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मेरे साथ थे. और हाँ, कुछ जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ मैं लिटरली इतनी ज्यादा बातें करती थी, उन्होंने झूठे मुंह पूछा भी नहीं कि क्या तुमको हमारी जरूरत है. तो मैं बोल रही हूँ ऐसी सिचुएशंस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि एक्चुअली में कौन आपके साथ है और कौन आपके ऐसे दोस्त है जिनके साथ सिर्फ आप, यू आर लाइक अ पार्टी फ्रेंड. तो मुझे ना, मैंने बिल्कुल डिफरेंशिएट करके रखा है कि मेरे लाइफ में अब टाइम पास वाले लोग कौन है और एक्चुअली में जो जेन्युइन केयर करते हैं वो लोग कौन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमृता शिंदे, पुणे, एंड वी बोथ आर ऑफ सेम एज. आई जस्ट लव योर थिंकिंग एंड अप्रोच टुवर्ड्स फैमिली प्रायोरिटीज एंड योर ब्रॉड thinking because my thoughts match with you like you a lot. My question is very simple, which type of clothes do you like more, Indian or Western? So I like both, like mujhe Indian bhi bahut pasand hai, Western bhi bahut pasand hai. But if you talk about my comfort clothing, jaise Indian clothing ho gaya saree wagera, aap isko din bhar nahi pehen ke rakh sakte ho, 2-3-4 maximum 5-6 ghante, uske baad aapko aisa lagne lagta hai I need my breathable clothes, you know, lower t-shirt. So Western clothes definitely, agar mujhe choose karna hoga ki mujhe kahin comfortable jagah pe jana hai to main kurta legging choose karungi ya jeans top choose करूंगी, तो आई विल डेफिनेटली चूज वेस्टर्न ओवर इंडियन क्लोथिंग, क्योंकि इतने टाइम से वही पहन रहे हैं ना, तो उसमें बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, बहुत हैबिट हो चुकी है, तो आई
I feel western wear is my more comfortable clothing. How you motivate yourself even when you feel low, family is not doing well? Maine bataya na situation, ye usi tarike ka question hai that how I motivate. Main bas ye soch leti hu ki agar hamare planning ke according nahi cheeze chal rahi hai to uske planning ke according chala hai aur uska planning hamare planning se far better hota hai. So bas isi tarike se main apne aap ko motivate rakhti hu. Has anyone from your in-laws and ever asked you on bachcha ya do you ever worry that after 30 kya kuch problems ho sakte hain and all? I am 32 and I get asked. I myself also worry a lot sometimes. I understand it's the couple who will go through any situation in conceiving etc, but still hota hi hai, right? Maybe you would have a mature opinion about it between love you and love the attitude towards life that you have. I'm sorry to ask very quick. Okay, koi sorry bolne ki zarurat nahi hai. Main is bar bahut sari questions definitely bachche se related aaye Instagram pe bhi aur YouTube pe bhi. So let me answer you this time. Main kafi upfront ho gayi, pehli baar shayad answer karungi bachche se related question ke. So actually the thing is, first of all, जो इनका पहला क्वेश्चन है कि इन-लॉज की फैमिली में आपको किसी ने बोला है कि बच्चे के लिए, तो जैसे टीनू की शादी में हमारे यहाँ काफी लोग आए थे, राइट? तो उसमें से एक आध लोगों ने बोला अगले साल हमें तुम्हारे गोदी में बच्चा चाहिए. ठीक है, आई डिड नॉट माइंड इट. मैंने यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया. बाकी जो मेरी इन-लॉज की फैमिली है, दे डू नॉट आस्क मी दिस डायरेक्ट क्वेश्चन. ये यूजुअली विक्की से पूछा जाता है. जैसे मेरी मदर इन लॉ ने तो आज तक मुझसे कभी नहीं बोला है. इवन विक्की भी अब बहुत चढ़ने लगा इस तरीके के क्वेश्चन से. विक्की को तो अब कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछता ही नहीं. जो भी पूछता है विक्की को पूछता है. विक्की का आंसर होता है जब होना होगा तब हो जाएगा और जब होगा तब आपको पता चल जाएगा. हमारी खुद की कुछ प्रायोरिटीज थी अपने लाइफ में. विक्की का जो सबसे फर्स्ट डिसीजन था ऑफ having a baby after buying a home, okay? बहुत पहले से ही हमने डिसाइड कर रखा था जब हमारा खुद का घर आएगा तब वील प्लान फॉर अ बेबी. विक्की का एक बहुत ये ड्रीम था कि भाई उसका खुद का बच्चा है तो उसके खुद के घर में आना चाहिए. हाँ, उसका तो ये भी था कि वो कभी भी अपना घर रेंटेड घर शिफ्ट ही नहीं करेगा. मतलब अगर ये कोविड नहीं आता ना तो हम जो ये शिफ्ट हुए थे रेंटेड सेकेंड अपार्टमेंट में, हम वहां भी कभी शिफ्ट नहीं होते. बिकॉज उसने तब ये चीज भी बोल दी थी, स्टेटमेंट दे दिया था कि अब हम सीधे जब शिफ्ट करेंगे ना तो हम हमारे खुद के घर में ही शिफ्ट होंगे. बिकॉज कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन हो गई. अगर शायद वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन कभी नहीं आई होती ना तो हम लोग अभी भी 1 BHK में रह रहे होते और वहां से हम डायरेक्ट हमारे खुद के घर में जाते. हमने घर ले लिया, हमारे घर ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो गया. हम घर में जाकर के रुक गए. हम कुछ मैं घर जमाती और हम कुछ सोचते, उससे पहले कुछ और सिचुएशन हमारे साथ में आ गई. तो विच इज फाइन. ओके, आई लिटरली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और मैं ये सब चीजों की, आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे कि आप टेंशन लेते हो, आप वरी करते हो, इतनी सी भी नहीं करती. मैं लिटरली बता रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं होती ना मुझे इस चीज का कोई बुरा लगता है. उल्टा आई एम वेरी थैंकफुल कि अभी आई डोंट हैव एनी किड. जस्ट इमेजिन अगर मेरे पास कोई भी बच्चा होता तो क्या मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाती जो अभी मेरे साथ लाइफ में चल रही है? क्या मैं इसको मैनेज कर पाती? तो मैंने क्या बोला, जो हमारा प्लान नहीं है ना वो ऊपर वाले का प्लान हमसे ज्यादा बेस्ट है. शायद मेरा दिमाग भी कभी आया ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आया कि अभी करना चाहिए. क्यों? क्योंकि शायद ऐसा कुछ होना था, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है जो भी चलता आ रहा है ना वो बहुत बेस्ट के लिए हुआ है. हर चीज बहुत परफेक्ट हुई है. ये चीजें ठीक हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तब वील गो फॉर इट. ना आप अपने फ्यूचर पे कंट्रोल रख सकते हो, ना आप अपने पास्ट में कंट्रोल रख सकते हो, तो इन दोनों के बारे में इतना टेंशन क्यों लेना है? जो फ्लो में चीजें चल रही है उसको चलने दो, सब हो जाएगा. मैं ये शेयर नहीं करना चाहती थी, बट क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी तरीके से जो बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना वो बहुत जेन्युइन आया और बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जिन्होंने ये क्वेश्चन करा है ऐसे आप चिपका दूंगे. मैं बहुत सारे क्वेश्चन है और सब बहुत टेंशन लेती है. ये बच्चे वाले क्वेश्चन में मैं इतना ऑफेंड हो जाती हूँ, बट इस बार मुझे इसलिए ये क्वेश्चन इतना सा भी हर्टफुल नहीं लगा. मैं आपको अभी सिचुएशन बताती हूँ. एक रिलेटिव, जब मेरे पापा की सिचुएशन हो रही है, 30 को मेरे पापा का ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया, 1 को मैं ट्रैवल करके, मतलब मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने पापा को देखने के लिए आई हूँ. मुझसे मेरे पापा तो ICU में थे, तो मैं ICU में जाने से पहले भी बहुत रोना, मतलब मेरे कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे. मैं रोना नहीं चाह रही थी, बट वो अपने आप ऐसा लग रहा था कि इतने नल खोल दिया है और वो नल बंद ही नहीं हो रहा था. सो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द ICU, जब मैंने अपने पापा को देखा, तब भी मेरे को बहुत, मतलब आंसू आ गए थे मेरी आंखों में से बहुत सारे की, मतलब इस तरीके से अपने पापा को फर्स्ट टाइम सिचुएशन में देखना. अपने रूम में जैसे तैसे आई संभली, मेरी मम्मी वहां पर खड़ी हुई है और 2-3 फीमेल रिलेटिव्स हैं मेरे. एंड उसमें से जो एक रिलेटिव है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन पता है क्या था मुझसे? रुचि, तुम ये बताओ आलिया भट्ट की शादी को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए उसकी शादी को? तुम्हें पता है वो भी प्रेग्नेंट है. कैन यू इमेजिन किस स्टेट ऑफ माइंड में मैं थी और किस स्टेट ऑफ माइंड में मेरा दिमाग था? क्या घटिया क्वेश्चन किया गया मुझे, क्या एग्जाम्पल दे करके. तो इसलिए मुझे ये जो आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा है, तो मुझे बहुत बहुत ही रिस्पेक्टफुल लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. मतलब बिल्कुल भी मैं ऑफेंड नहीं हुई हूँ, ना मैंने कोई माइंड किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू प्लीज टेल अस अबाउट योर एजुकेशन एंड हाउ यू हैव सच एन अमेजिंग सेंस ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग. रितु मकवाना का क्वेश्चन है. सो एक्चुअली मेरी एजुकेशन के बारे में मैं अपने पुराने Q&As में बता चुकी हूँ. मैंने अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है, साथ में मेरा
मेरा एमटेक है, तो मेरी एजुकेशन बिल्कुल अलग प्रोफाइल की रही है। उसके बाद मैंने जो जॉब किया है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में किया है। वो मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था जब मैं एमटेक कर रही थी, बट क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था और मुझे अच्छे ऑफर्स आने लग गए थे, तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ही कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर आई गॉट मैरिड मुंबई में भी, जब मैंने अपनी लोकेशन चेंज करी उसमें मुझे तुरंत फटाफट कॉल्स आने लगी थी, तो आई अगेन कंटिन्यूड विद एचआर वाले जॉब से ही, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था। रही बात इंटीरियर डिजाइनिंग की, तो क्योंकि मुझे घर डेकोरेट करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो धीरे धीरे आप ग्रो करते हो उस चीजों में भी, तो बस ऐसे करते करते शायद इंटीरियर डिजाइनिंग का भी सेंसेस थोड़े बहुत आ गए हैं और वो चीजें आपको पसंद भी आने लगी हैं, तो ऐसे करके ये जर्नी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है वन्या का क्वेश्चन है। वन्या, हाय वन्या, हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ विद यू, योर मॉम डैड, योर हस्बैंड, योर इन लॉज एंड योरसेल्फ एज यू आर अ सिंगल चाइल्ड, सो इट इज वेरी इंटिमिडेटिंग समटाइम्स टू टेक ऑल द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। डू यू समटाइम्स गेट स्टक बिटवीन होम टू प्रायोरिटाइज, इफ नॉट देन प्लीज शेयर सम टिप्स ऑन हाउ यू बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ। तो द वर्ड प्रेशर, इसको एज अ प्रेशर की तरह नहीं लेती हूँ। इंस्टेड ऑफ प्रेशर को आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्लिप कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आई टेक दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि ये तो मुझे करना ही है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं ना, दो होते हैं, तीन होते हैं, एक होता है, तो पेरेंट्स को कैसे पता होता है ना कि नहीं, ये बच्चे को तो हमको पढ़ाना ही है, इसको तो हमको यहाँ तक कराना ही है। तो ऐसे ही मेरे अंदर भी ये पहले से फिक्स्ड है, तो वो पेरेंट्स के लिए प्रेशर नहीं होता है, वो अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो चीज़ करते रहते हैं। तो बस मेरे अंदर भी ये चीज़ मैंने प्रेशर की तरह नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये तो मुझे करना ही है। लगता कि मैं शायद बैलेंस कर पाती, जैसे कि मैंने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं समटाइम्स कभी स्टक हो जाती हूँ कि मुझे किसको पहले प्रायोरिटी देना है, फिर मैं ये सोच लेती हूँ कि कहाँ अभी ज्यादा जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली फेस्टिवल हो गया, जैसे टीनू की शादी के टाइम पे ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी टीनू की शादी सबसे पहले थी, उस टाइम पे मैं अपने घर पे जा भी नहीं रही थी, यहाँ पे ज्यादा जरूरत थी मेरी। अभी जो सिचुएशन है इसमें मेरे पेरेंट्स को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड कर लेती हूँ मैं। दूसरा मेरे लिए प्लस पॉइंट फैक्टर ये है कि दोनों ही पेरेंट्स काफी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज करना है, और मेरे इन लॉज भी इस चीज से काफी ओके हैं, उनको भी चीज बहुत एक्सेप्टेड है, पता है उनको ये बात कि हाँ मेरे को वो चीजें वहां पे भी करना है, तो वो दोनों भी काफी समझदार हैं, तो इसलिए भी मेरे लिए चीजें काफी ईजी हो जाती है करना। दिस इज द फर्स्ट Q&A वेयर यू आर डूइंग आफ्टर टीनूज वेडिंग। आई वॉन्टेड टू आस्क यू वन थिंग, हाउ डिड यू मैनेज टू लुक सो कूल इन द वेडिंग, इट वॉज वेरी विजिबल फ्रॉम द ब्लॉग दैट अदर डॉटर इन लॉज वर इन सिर पर पल्लू, but you were not, so don't you face any hatred regarding this or any taana or comparison, other daughter-in-laws don't compare themselves with you, ki ruchi ne nahi liya to hum nahi lenge, like that, just curious to know how did you manage. So main teenu ki shaadi mein actually main kyun main manage kar payi cool dikhne ka, kyunki mere upar na koi pressure nahi tha, theek hai, maine I think apne last Q&A video mein ye cheez batayi thi कि मैंने कैसे अपने इन लॉज की शादियों में सर पे पल्ला वगैरह लेना अवॉइड करा, और एवरीवन वाज वेरी ओके विद दैट, तो वो चीज़ मैंने इसलिए करी थी। मेरा मेन रीज़न ये था कि ताकि मैं टीनू की शादी एंजॉय कर पाऊँ, मेरा क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरा कोई रियल ब्रदर या सिस्टर नहीं है, और मुझे शादियों में एंजॉय करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। सारे कजिन्स हैं, जैसे मेरी मासी के जो दोनों बेटे हैं उनकी जो बहन की भूमिका होती है, जो बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो पूरी मैं ही करती हूँ, तो ऐसा नहीं है सगे जैसे, बहुत सारे कजिन्स हैं मेरे, काफ़ी सारे कजिन्स है मेरे, बट एक होता है ना घर की शादी के बाद बिल्कुल अलग ही हो जाती है, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग जो 2 महीने से प्रिपरेशन चल रही होती है वो सब करने की एक अलग बात हो जाती है, और वो टीनू की शादी में मैंने सब एंजॉय किया, तो मेरे को ना ऐसा था कि मेरे को टीनू की शादी एज अ सिस्टर की तरह एंजॉय करनी थी, तो वो तो मेरा Day 1 से क्लियर था। तो डेफिनेटली कुछ रिलेटिव ने आकर के मेरे को ये चीज़ बोला था कि यू हैव टू टेक 3 डेज सर पे पल्ला, तुम्हारा सर से हटना नहीं चाहिए, तो मैंने ना तुरंत उनको ऐसे रिप्लाई भी कर दिया था कि नहीं मेरी तो सारी ड्रेसेस बिना सर पे पल्ले वाली हैं। तो हालांकि मेरे मदर इन लॉ और टीनू ने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि डू नॉट रिस्पॉन्ड, तुम सुन लो बट उनको रिस्पॉन्ड मत करो, उधर से सुनो उधर से निकाल लो, तो मैं मतलब मेरा नेचर इस टाइप का है कि मैं ना गलत चीज़ें सुन, गलत नहीं मेरा है जवाब, मतलब लोग इसको थोड़ा शायद ऐसा बोलते हैं कि मुंह चलाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत चीज़ थोड़ा ना बोली थी, कि नहीं है तो नहीं है, आपको पहले से मैंने क्लियर कर दिया ताकि आप एक्सपेक्ट ना करो उस दिन मेरे को टोको ना, तो मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस होता है कि भाई मैं पहले से बता देती हूँ, बोल देती हूँ। तो हालांकि मेरे को टीनू ने और बाद में समझा दिया था कि और भी कोई लोग आकर के बोले तो डू नॉट हाँ हाँ करके निकल लेना, खसक लेना वहां से, कि ये चीज सबको पता है, मेरे इन लॉज को भी पता है, और मेरे जो पूरे इन लॉज की फैमिली है उन लोगों को भी ये बात पता है कि आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर। हालांकि हमारे यहाँ भी सर पे पल्ला चलता है, ऐसा नहीं है, आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, और
अभी मैं राजपूत फैमिली में आई हूँ, तो राजपूत का तो ये ट्रेडिशन होता है कि बिफोर मैरिज भी लड़कियां जो पोशाक पहनती है तो द टेक सर पे वो पूरा बहुत प्यारा ग्रेसफुली सा अच्छे से लेकर के कैरी कर लेती हैं। और मेरे यहाँ पे भी चलता है, डेफिनेटली सर पे पल्ला वगैरह चलता है, बट मैं डे शुरू से ही इस चीज के अगेंस्ट रही हूँ कि सर पे पल्ला वगैरह मुझे पसंद नहीं है। तो हेटरेट की बात तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई हेटरेट फेस करी, सबने बहुत अच्छे से बिहेव किया, सब लोग बहुत अच्छे थे। मतलब मैं बहुत सारे लोगों से ना अपनी शादी के बाद सीधे सेकंड टाइम मिली थी, तो सब लोग बड़े खुश भी हो रहे थे मुझसे मिलकर के, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखो मुंह पे तो सभी बहुत अच्छे थे, बैक पीठ पीछे क्या हुआ आई रियली डोंट नो एंड आई रियली डोंट केयर। सब लोग स्माइली थे, अच्छे से बात कर रहे थे, तो मैंने समझ लिया कि वो सब खुश है, कोई ताना वाना ये सब फालतू की चीजें तो नहीं सुनने को मिली। मेरे इन-लॉज में भी ना आई एम वेरी लकी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ तो चलो ठीक है, तीनों तो बेस्ट है ही है, पर मेरी जो बाकी सिस्टर इन लॉज है ना वो भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जो मेरी भाभियां भी हैं, मतलब जो मेरी जेठानी है, मेरी अभी तक कोई देवरानी नहीं है, सब लोग मुझसे बड़े ही है, तो वो लोग लेती है डेफिनेटली, क्योंकि वो लेती आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है कि मैं नहीं लेती हूँ। वो लोग भी सब बहुत स्वीट हैं, तो ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी ऐसा कुछ भी मतलब मैंने शादी में तो फेस नहीं किया, और उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया और इसलिए मैं शायद बहुत एंजॉय कर पाई। प्रकृति का क्वेश्चन, वॉन्ट टू आस्क डू यू थिंक योर वर्क इज रियली हार्ड वर्किंग सिंस एवरीबडी इज डूइंग यूट्यूब नाउ डेज एंड प्रेजेंट देमसेल्व्स हैविंग अ परफेक्ट लाइफ, एंड डू यू थिंक यू आर यूटिलाइजिंग योर एजुकेशनल इंजीनियरिंग डिग्री? Of the engineering degree, I'm definitely not utilizing my engineering degree. होती है हमारा, हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं degree लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखते हैं apart from जो हमारी basic learnings होती है उसके अलावा भी। मुझे लगता है मैं जो इतनी bold हूँ और जो इतनी outspoken हूँ इसमें मेरे college का भी बहुत important role है, जिसमें आप वाइवा देते हो, group discussions होता है ना, सिखाते हैं आपको, present करना सिखाते हैं, इतने हजारों लोगों में आप अकेले खड़े होकर डांस कर रहे हो, आपको एक बहुत फ्रैंकनेस सिखाते, तो बहुत सारी अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल लर्निंग्स मुझे ऐसा लगता है मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं जो मैं अपने लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट कर रही हूँ। एंड आई थिंक डिग्री कभी भी वेस्ट नहीं होती, आई एम टेक्निकली साउंड एज वेल। रिलेटेड एक इंसिडेंस बताती हूँ, मैं HR प्रोफाइल में काम कर रही थी, वाल इज अ टायर 2 सिटी, यहाँ पर बहुत मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज डेफिनेटली नहीं है, है भी तो थोड़ी इंटरमीडिएट से थोड़ी बड़े लेवल की कंपनी आप बोलो, बट एकदम ऐसे MNC टाइप से कोई कंपनी यहाँ पर है नहीं। स्टार्टअप्स होते हैं, मैंने उनमें भी काम किया है, मैंने जो इंटरमीडिएट लेवल की कंपनी होती है उसमें भी काम किया है, तो आई बेसिकली मैंने काफी स्विचेस भी बहुत मारे, मुझे कहीं पर समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर मेरी लर्निंग्स नहीं हो रही है या मुझे सही नहीं लग रहा है, मेरा पैकेज नहीं बढ़ रहा है, तो मैं कंपनी स्विच मार देती थी। आई वॉज वर्किंग इन माई लास्ट कंपनी, इट वॉज अ टेलीकॉम सेक्टर, और जब मैं वहां पर काम करी थी वहां पर भी सब कुछ बहुत सही चल रहा था, स्टिल क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, 1.5 साल हो चुका था, मैं अपना रिज्यूम अपडेट किया and I got a call from a very good company. Netlink हो गया, Home Softwares हो गया, इस तरीके की कुछ companies हैं जो हमारे भोपाल में एक अच्छे level पे मानी जाती हैं। कॉलेज में थे तब से हम इनका नाम सुनते आ रहे थे, इनमें से एक कंपनी से मेरे पास इंटरव्यू के लिए ऑफर आया एंड आई एक्सेप्टेड दैट, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ वहां पर, बट मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि वो कंपनी काफी दूर थी, तो मैं 3 बजे उस कंपनी में पहुंची एंड व्हेन आई रीच देयर ना वहां के MD बैठे हुए थे और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो HR की पोजीशन थी, जब मैंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी पूरी डेजिग्नेशन समझी और मेरा पूरा एजुकेशनल प्रोफाइल समझा और उन्होंने पूछा मुझसे, ऑब्वियसली मुझे सब कोई क्वेश्चन करता था कि आप MTech कर रहे हो फिर आप HR में क्यों आ गए, तो वहां पर मैंने भी अगेन ये आंसर दिया। तो जब मैंने ये आंसर दिया he was very impressed and उन्होंने वो चीज मुझे बोला, जो HR generalist profile है उसके लिए हमने HR को final कर दिया है already, तुम late हो गई हो आने में, just because तुम्हारा profile मुझे बहुत interesting लगा है and our company is a software company, तुम्हें tools का भी knowledge है और HR का भी knowledge है, so that's why I am making another profile for you, मैं offer letter आ जाएगा और तुम्हारी जो salary है, जो भी मैंने salary put up करी कि मुझे इतनी salary चाहिए, वो मेरा select हो गया। almost शादी की dates निकलने वाली थी तब की बात है, बस confirmation आ गया, तब मैंने अपने करंट MD को बताया कि सर मेरा दूसरी कंपनी में हो गया है और ये मुझे ऑफर मिल रहा है और मैं जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने लिटरली फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैडम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इस कंपनी में? मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत दिन हो गए यहाँ पे और मैं नया काम सीखना चाहती हूँ, स्विच करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, जो सैलरी मुझे वो कंपनी ऑफर करी थी उन्होंने वो सैलरी मुझे ऑफर करी। एंड फिर उसके बाद मेरे पापा ने भी बोला कि अरे तुम 6-7 महीने के लिए तो हो, कहाँ परेशान हो रही हो नया काम सीखने के लिए, तो वो ऑफर लेटर मैंने पूरा संभाल के रखा था। देखो ना कि मेरी डिग्री, मेरी तो वो डिग्री जो मैं काम कर रही हूँ और जो मेरी डिग्री है वो दोनों ही अलग अलग है। मैंने क्यों स्टोरी बताई, क्योंकि आप इससे मैं ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आपकी जो डिग्री होती है ना वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है, आप कुछ ना कुछ उसका यूज तो कर ही लेते हो, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है। नो एवरीवन इज डूइंग यूट्यूब, एक आज यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस, इन तरह की चीजें पुट अप करते हैं उसमें भी एक जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता ही मिलता है, बात करने के तरीके से आपकी एजुकेशन झलकती है। और एक क्वेश्चन है, वास्तु के हिसाब से आपने क्या कौन सी प्लेसमेंट की है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं?